सामने कैमरा लेके आदत से लाचार इंसान रिकॉर्ड कर सर जो है ओखली में दिया तो मूसलों से क्या डर तो गाइज आज मैं आपको अपने व्लॉग में बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाने वाला था। छठ पूजा चल रहा है अभी, तो जो शाम का जो अर्घ होता है ना वो आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पहुंचते ही सनसेट हो गया। जिनके घर जा रहा हूं उनका नाम है रीना रानी जी, आपने देखा होगा ना क्राइम पेट्रोल में बहुत सारे, तो उन्होंने बुलाया हम लोगों को तो टाइम से बुला लिया था लेकिन हम पहुँच नहीं पाए और उनका घर ढूंढते ढूंढते सनसेट हो गया। पहले तो पहुँच के उनकी डांट खानी पड़ेगी, उसके बाद जो व्लॉग नहीं बना वो तो चलो ठीक है गया ही। नहीं नहीं अरे बस आशीर्वाद आपका ले ले, बस और क्या चाहिए। बाबू से लोग बहुत छठ तो वही करते हैं। ये जो लड़का है जो जिसका ब्लॉग आप लोग देखते हैं ना वेद दुबे का, ये लेट लतीफ है। इसको मैंने बोला था आप लोग ब्लॉग देखते इतना पसंद करते हैं, अच्छी बात है, पसंद करना भी चाहिए इस लड़के का ब्लॉग। कल खीर रोटी का प्रसाद था, आया नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड कर। और दूसरी बात, आज भी आया, इसको मालूम है कि छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है तो उसके पहले आना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब डूब जाएंगे तो पूजा का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये हमारे भाई साहब सब पत्नी पहुँचे हैं, हमारी जब पूजा पूरी हो गई है, हाँ, जब हम लौटने लगे हैं घाट से, सारा अपना दौरा सूप फल छेटा उठा लेके सिंदूर टीका उठा लगा के तब ये भाई साहब पधारे हैं, ठीक है। लेकिन चलिए ये तो मेरी शिकायत हो गई, आप लोग इसके ब्लॉग को जरूर देखिएगा। हमारी शिकायत तो ऐसी है, ये हमारा दौरा छठ, और सबसे व्रत कौन करता है वो दिखाओ तुम। हाँ, व्रत करते हैं, व्रत ये श्लोक करते हैं हमारे बच्चे, 7 साल हो गया आज व्रत करते हुए इनको, है ना। और तो सिर्फ छठ पूजा ही नहीं, बाकी चाहे जन्माष्टमी भी हो, एकादशी और गणेश चतुर्थी, सब करते हैं। हाँ, और ये वही घर है जो हर बार फोटो और रील में हमें देखने को मिलता है, और आज इतने सालों के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मतलब पहली बार आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे लेट हुआ, पता है मुझे एड्रेस बिल्कुल नहीं मालूम था। देखो आप कहाँ से आ रहे हैं, मीरा रोड से आ गए, मीरा रोड से आ रहा हूँ, वहीं 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 से आ रहा हूँ। वासी से भी लोग आए थे, कल टाउन से भी आए थे लोग, हम इनके साथ ही चले जाएंगे, कल कल्याण से भी लोग आए थे, वासी से लोग आए थे, टाउन से लोग आए थे, प्रसाद खाने वाले जो होता है आ जाते हैं, ये बहाने हैं थोड़ा सा, शादी हुई है ना, नहीं नहीं इसकी नहीं नहीं शादी हुई है, मेरे से बुलवाएगा तो बहुत बात बोल दूंगी, इससे अच्छा बाकी लोगों से बुलवाएगा। आज देखिए 5 सालों के बाद जो है मैं गीतांजलि जी से भी मिल रहा हूँ। हाँ, मतलब 5 साल के करियर में, मैं बहुत चाह रहा था कि हमारी मुलाकात सेट पर हो, कोई बात नहीं, सेट पर हो जाएगी। ये हमारी सबसे सीनियर आंटी इधर बैठी है जो हमारी पड़ोसन है, हमेशा हम लोग के साथ पूजा पाठ में रहती है। ये दक्षा जी है हमारे साथ, देखो से भी और अपने आप से भी, अपने घर के बच्चों से भी ये कहती हूँ कि आप जब भी किसी धार्मिक साहित्यिक जगहों पर जाएं, अपने कल्चर, अपनी परंपराओं की जो चीज़ें हैं,
जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिली हुई है, ऐसी किसी चीज़ में किसी फंक्शन में जाएं तो अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि बच्चे आज के समय में हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं, गैजेट्स। मतलब पहले हम गुल्ली डंडा खेलने के लिए भेजते थे, पहले हम ग्राउंड में भेजते थे, पहले हम कबड्डी खेलने के लिए भेजते थे बच्चों को। आज बच्चा रोता है तो माँ मोबाइल पकड़ा देती है और यूट्यूब पे कोई कार्टून फिल्म लगा देती है और वो देखते रहता है। सो तब कहते हैं कि बच्चा जो है मोबाइल ही नहीं छोड़ता है, मोबाइल ही देखता है, अपनी आदत लगा रहता है। तो उसको आदत लगाने वाले हम ही लोग हैं। ट्राई टू गिव देम योर नॉलेज, नॉलेज नॉट द टर्म्स ऑफ बुक, किताबी बातें वो तो पढ़ लेगा, अंग्रेजी मराठी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की भाषा वो सीख लेगा, क्योंकि उसकी उसके आसपास के उसके उम्र के बच्चे बुजुर्ग आस पड़ोस वैसा होगा, पर आपकी मातृभाषा तो फिल्टर वाली जिंदगी से निकलिए और ओरिजिनल जिंदगी अपनाइए, ज्यादा खूबसूरत है। कुछ बोलो, तुम भी कैसा पति मिला है तुम्हें? बोलो बोलो, आज बोलो, मौका है, मौका है, बोलो, सच बोलना, सच बोलना, ये नहीं कि ब्लॉग में चाचा बोल दिए। हाँ तो बोलिए, बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो ये इनका डर बोल रहा है घर जाना है इन्हीं के साथ, जीवन बिताना है इन्हीं के साथ। तो हमारे यूपी में भोजपुरी में एक कहावत है कि सर जो है ओखली में दिया तो मूसलों से क्या डर। घाट से जो आते हैं बहुत सारी परंपराएं हैं ऐसे, तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। नहीं तो वो घाट जाने वाला वो कैसे लेट लेट के कैसे खींच के, हाँ फिर अजीब तो लगता है, अजीब लगता है। किसी किसका कितने कैसे जाके जिसके घर में छठ नहीं होता है उसके दूसरे घर में जाके सेवा करते हैं, उनको मतलब इतना तड़प होता है ना कि हम उसकी सेवा करें जो छठी माई की कृपा करें। वाह क्या अच्छा लग रहा है तुम्हारे पे, ये पूरा इतना सुंदर बना दिया आपने, इतना बढ़िया ज्ञान दिया, छठ पूजा पहली बार देखी और क्या चाहिए। जैसे जैसे जो है गीतांजलि ने बोला ना अपने बच्चों को लेके जाइए, वैसे मैं लेके नहीं, मोरल ऑफ द स्टोरी की यही है, जिन्होंने नहीं देखा जिनको नहीं पता